हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी। मैम सबसे पहले तो एबीपी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज आपने पीसी किया, महिला सुरक्षा की आपने बात की, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली समेत पूरे देश में स्थिति पहले की तरह ही है महिलाओं को लेकर, या कुछ बदली है सुरक्षा को लेकर? देखिए, बदतर होती जा रही है महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति। मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में आज भी आधी आबादी का जीवन डर और खौफ के साए में बीतता जा रहा है। तो दिन में भी डर है, रात के सन्नाटे में भी डर है, भीड़ में भी डर है, सुनसान रास्तों में भी डर है, घर के भीतर भी डर है, घर के बाहर भी डर है। और इस डर और खौफ के माहौल की साझी जिम्मेदारी है भाजपा मोदी सरकार की और आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार की। देखिए, दिल्ली में अगर देश में 86 बलात्कार रोज हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ अपराधों में 96% की बढ़ोतरी है, तो दिल्ली में 3 बलात्कार रोज होते हैं। और पिछले और 3 सालों से लगातार 19 बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा दिल्ली में रजिस्टर हो रहा है। और इसके बाद भी आप संवेदनशीलता देखिएगा, दोनों पार्टियों की गायब है। और मोदी जी के तो हमें नारे याद आते हैं, बहुत हुआ नारी परिवार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज जनता कह रही है कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। तो आप देखिए, कुलदीप सेंगर से लेकर चिन्मयानंद से लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह तक आप अगर संरक्षण देंगे बलात्कार, अगर आप प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट के लिए खुद वोट मांगेंगे, अगर आप जो खुद आपको रक्षक के रूप में जनता देखती है, तो अब भाजपा रक्षक की भक्षक बन जाए या भक्षक की रक्षक बन जाए, तो कहना पड़ेगा कि आपकी वॉशिंग मशीन सिर्फ भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं, वो बलात्कारियों के लिए भी है। कि जैसे ही कोई बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होता है तो उसके दाग अच्छे हो जाते हैं। और आप देखिए कि यूपी सरकार तो चिन्मयानंद के सारे केस वापस ले रही है रेप के। और वही केजरीवाल जी की तरफ भी आप देख लीजिए, तो उनकी खुद की ही पार्टी की सांसद BCW की चेयरपर्सन उनपे आरोप लगा रही है कि पिटाई और कुटाई उनके आवास में हो गई। ना कोई होमगार्ड 10,000 में से एक भी बना, ना मार्शल लगे, ना CCTV मिले, ना 1,000 रुपए की पेंशन का जो वादा किया था, 1 रुपए की पेंशन भी महिलाओं को मिल रही है, गायब है। और जो लाडली में जितना आवंटन शीला सरकार ने किया था उससे कम करते जा रहे हैं, जबकि बजट दुगना हो गया दिल्ली सरकार का। तो अगर झूठ बोलने में, जुमलेबाजी में, फर्जीवाड़े में मोदी जी की कोई कोई टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल। दिल्ली में क्या लगता है आपको, अगर मैं केंद्र की बात, दिल्ली में पर्सनली बात करूं, तो क्या पहले की अपेक्षा थोड़ा सा भी बेहतर स्थिति हुआ है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, दिल्ली की बात करो? देखिए, मैंने 5 महीनों के सबसे खराब वाक्य बताए शुरू में ही, उसमें 5 बलात्कार की बड़ी घटनाएं, जिसमें से 4 बच्चियों के साथ हुई है। 1 10 साल की बच्ची है, 1 14 साल की बच्ची है, 1 4 साल की बच्ची, 1 7 साल की बच्ची है। कहां से माहौल बेहतर हुआ है? मैंने आपसे कहा 3 बलात्कार रोज हो रहे हैं, ये हर साल 15,000 बड़े अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं, तो ऐसे में तो स्थिति बद से बदतर हो गई है। और उसमें भी समझने की बात यह है कि अगर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए जन आंदोलन कर सकती थी, पर समाज में महिलाओं के प्रति संवेदना बढ़ाने के लिए, महिला और पुरुष के बीच में जो गैप है उसको दूर करने के लिए, समानता के लिए कोई आंदोलन चलाया क्या आज तक उन्होंने? मैं जानना चाहती हूँ कि मोहल्ला समितियां और ये सब जो बनाई गई थी वो किस काम के लिए थी? कुछ नहीं किया, और केवल महात्मा गांधी के नाम का दुरुपयोग किया है सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए। और वही मोदी जी है, मोदी जी तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को कहते हैं कि ये कांग्रेस की विधवा है, वो शशि थरूर की पत्नी को कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, वो रेणुका चौधरी को संसद के अंदर एक महिला सांसद को शूर्पनखा कहते हैं, तो वो खुद कितने संवेदनशील है महिलाओं के प्रति। और ये तो मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अपनी माँ को अपने साथ जीवन भर नहीं रखा, अपनी पत्नी को अपने साथ जीवन भर नहीं रखा, और देश की महिलाओं के प्रति और बड़ी महिलाओं के प्रति ऐसी टिप्पणी देने वाला व्यक्ति। मुझे तो लगता है कि महिला पूरी तरह से महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। मैंने तो ये तक कहा कि कांग्रेस ने पहली महिला मुख्यमंत्री दी, पहली महिला प्रधानमंत्री दी, महिला राष्ट्रपति दी, महिला स्पीकर दी, भारतीय जनता पार्टी पहली महिला अध्यक्ष कब देगी? केजरीवाल कब अपनी पार्टी का सर्वोच्च पद किसी महिला को देंगे, अपनी पत्नी के अलावा? आजकल भाभी जी बनी हुई है सब कुछ, जब से वो जेल में है। तो ये सवाल जायज सवाल है जो आज मैंने प्रेस वार्ता में पूछा। सवाल है कि फिल्म अभिनेत्री अभी सांसद बनी है, नहीं नहीं कंगना रनौत किसानों पर विवादित बयान दिए उन्होंने, इस पर भी देखिए कहा जाता है, कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं थी हड्डी जबान में। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो खासियत है कि जैसे ही मुंह खोलते हैं केवल नफरत, हिंसा और वैमनस्य की बातें निकलती हैं। तो बहुत साधारण सी बात है, एक ऐसा आंदोलन अन्नदाताओं का जिसने मोदी सरकार के घुटने टिका दिए, उनके ऊपर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस छोड़ी गई, सड़कों पर कटीले तार बिछा दिए गए, हर तरीके का अत्याचार हुआ, पर सरकार को झुककर 3 काले कानून वापस लेने पड़े।
ऐसे आंदोलन के लिए कहना कि वहाँ बलात्कार हो रहे थे, लाशें टंगी हुई थी, तो या तो मोदी सरकार सीबीआई की जांच करवाए, कोई आयोग का गठन कराए, या फिर कंगना रनौत से कहे कि आपने झूठ बोला, आप माफी मांगी। अब जो चिट्ठी आई उन्हें तथाकथित फटकार लगाती हुई, उसमें तो हस्ताक्षर तक नहीं है। जेपी नड्डा कह रहे हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं, कौन कह रहा है, किसने लिखा है, वो ये तक नहीं पता। अच्छा, फिर जेपी नड्डा से मिलने जा रही हैं, उन्हें किसानों से मिलना चाहिए, माफी उनसे मांगनी चाहिए। और देखिए, कभी कह रही है बांग्लादेश में जो परिस्थिति है वो पंजाब में हो जाएगी, तो आप अराजकता फैलाने की बात कर रही हैं। एक सेंसिटिव स्टेट में जिसने इतना आतंकवाद देखा है, आप कह रही है बांग्लादेश जैसी अफरा तफरी वहां मच जाएगी, तो इस पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर कभी कहती है कि मैं दारू पार्टी करना चाहती हूँ मनाली में, कभी कहती है कि भारत को आजादी तो 2014 में मिली है, 1947 में नहीं मिली। तो ऐसी उलझुल बात बोलने वाली महिला को मुझे लगता है राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। पहली फुर्सत में भारतीय जनता पार्टी उन्हें बाहर निकाले, और जनता भी ये सोचे कि आगे से ऐसी महिला को कभी भी जनप्रतिनिधि ना बनाया जाए। तो हमारे साथ मौजूद थी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, जिन्होंने साफ तौर पर मांग किया है बीजेपी से कि जो कंगना रनौत ने जो विवादित बयान दिया उसको सबसे पहले पार्टी से बर्खास्त करें, और साथ ही जो जनता ने जो वोट दिया है उसको भी आगे से इस तरह की महिलाओं को सोच समझ के वोट दे, ताकि देश में जो माहौल खराब हो आगे से वो खराब होता ना दिखे। अभिषेक नया, नेवी पी लाइव, दिल्ली।